अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं शामी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ना आधा किलो गोश्त ले लिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से वॉश कर लिया मैंने गोश्त को एंड उसके टू पार्ट्स कर लिए। एंड देन मैंने ना एक कुकर ले लिया, उसमें दो प्याली दाल ऐड कर दी। देन मैंने उसमें ऐड कर दिया दो ग्लास पानी एंड वन पार्ट ऑफ गोश्त एंड 10 to 12 रेड चिली एंड 2 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1/2 tablespoon ऑफ टर्मरिक। याद रखे इसमें आपको साल्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कुकर पे चढ़ा दिया है एंड देन इसके ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है 1/2 tablespoon ऑफ ऑयल। देन मैं ना सीटी देने रख दूँगी इसे, गोश्त अच्छे से गल गया है। देन आफ्टर 15 minutes ये सब प्रोसेस हो जाएगा, आपको पूरी दाल ड्राई अप कर लेनी है। अच्छी तरीके से हमारी दाल ड्राई हो जाएगी एंड देन उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 tablespoon ऑफ साल्ट। देन मैंने ना ये सारा मसाला इसमें डाल दिया जार में एंड जो बचा हुआ गोश्त है वो डाल दिया एंड इसके बाद इसे ग्राइंड कर दीजिए, कचुंबर बना दीजिए। इसका जितना भी हमारे पास शामी के लिए मसाला रेडी किया था हमने, इसका पूरा ग्राइंड कर लेना है। देन मैंने इसे ना अच्छी तरीके से निकाल लिया एक कटोरे में। अब हमें राउंड बॉल्स बनाना है। देन इसे ना अच्छी तरीके से गोल गोल कर दीजिए, जिस तरह हमारी दुनिया गोल है। इसके बाद हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि वो चपटे हो जाए एंड देन मैंने गरम तेल में फ्राई कर लिया। देखिए मेरे शामी रेडी है एंड इट्स लुकिंग टू टेस्टी एंड इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब करो, शेयर करो प्लीज़। मुझे ना 1000 सब्सक्राइब तक रीच दे दो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।